नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जियोग्राफी फर्स्ट पेपर। आपको पता है आपका जो आगरा यूनिवर्सिटी वाले हैं उनके लिए एमसीक्यू क्या रहने वाला है, एमसीक्यू हो जाएगा अपना सेकेंड पेपर। जियोग्राफी का सेकेंड पेपर कैसा आने वाला है, एमसीक्यू आने वाला है। अगर आपका इसको नोट्स चाहिए तो नोट्स कहाँ मिलेगा भाई, नोट्स मिलेगा आपका डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स डाउनलोड करना है, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो नोट्स डाउनलोड बिल्कुल कर लेना है, ठीक है, बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। और फ्रेंड्स, जो थ्योरी वाइज अपना हो जाता है फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर, ठीक है, तो वो क्या होगा, फर्स्ट पेपर जो रहने वाला है वो अपना रहने वाला है थ्योरी वाइज, ठीक है, क्या रहने वाला है, थ्योरी वाइज रहने वाला है। और थ्योरी वाइज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हेडिंग, निभाती है क्या, हेडिंग निभाती है। अगर हेडिंग आपकी मजबूत है तो आपके नंबर मजबूत मिलेंगे, अगर हेडिंग मजबूत नहीं है तो नंबर मजबूत नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन सा क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, और इनकी हेडिंगों के बारे में विशेष ध्यान देना है आपके लिए, ठीक है। बातें हैं क्वेश्चनों की ओर, बात करते हैं आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिक जियोग्राफी के बात करते हैं, ठीक है, जियोग्राफी को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दे रखा है आर्थिक भूगोल का अर्थ, आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, विशेष क्षेत्र, कल्पनाएं और विधियों के बारे में बताना है। हाइडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी विधियां हैं लिख दीजिएगा। अगर आपको जो थ्योरी वाइज है थोड़ी कम भी याद है तब भी आप बना बना कर चल जाएगी, मगर हेडिंग आपकी मजबूत नहीं है तो नंबर कम मिलेंगे, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति संसाधनों का वर्णन करना है, इसकी इसका संरक्षण कैसा होता है, प्रकृति संसाधन है उनका वर्णन करो, उनका संरक्षण करो, है ना, कौन कौन से विधियों संरक्षण होता है, हेडिंग लिखना है इसकी। बात करते हैं वन संसाधनों महत्व और अभिप्राय के बारे में भी आपको बताना है, ध्यान रखना इनकी हेडिंग को फोकस करना ज्यादातर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टियों का आर्थिक महत्व, संरचना और निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी आपको देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है विश्व में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है, और चावल गेहूं फसल का भी वर्णन आपको ध्यान से करना है, ठीक है। हरित क्रांति किसमें आई थी, कितनी भूमिका रही थी, है ना, ये सारे के सारे यहां पर आ जाते हैं। अगर आपको हेडिंग याद है मजबूत है, चाहे थोड़ी सी थ्योरी क्या है, थ्योरी में भी थोड़े बहुत डिस्बैलेंस कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, मगर हेडिंग मजबूत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, खनिज तेल पेट्रोलियम का महत्व, जल विद्युत उत्पादन के बारे में भी आपको यहां पर देख लेना है, ये महत्वपूर्ण है बहुत, इसको तो मिस करना ही नहीं है, ठीक है, और हरित क्रांति वाला बहुत ऊंचा आता है एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रखा है लोह आयसक व मैगजीन, लोह आयसक के बारे में और मैगजीन के बारे में, इसका महत्व क्या होते हैं, इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग के बारे में आपको यहां पर देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में प्रमुख आयात एवं निर्यात की सीमा, जो समीक्षाएं होती हैं उनको करना है, इनमें अंतर भी पूछ लेता है कि आयात निर्यात में अंतर बताइएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विश्व में प्रमुख आयात एवं निर्यात की समीक्षा भी आपको करनी है, ये सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है, अपनी बुक्स पे लगा लेना है, उसकी हेडिंग याद कर लेना है, बस एक बार थ्योरी पढ़ना, एक बार के बाद थ्योरी मत पढ़ना, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है विश्व में प्रमुख वायु मार्ग जो कौन कौन से हैं इसके बारे में बताना है, ठीक है, और विश्व में घास क्षेत्रों के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखा है रबड़ उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से, इनको बताइएगा कैसे होती है रबड़ उत्पादन, और चाय उत्पादन का और वितरण इसके बारे में, चाय उत्पादन कैसे होता है, इसका वितरण कैसे होता है ना। और बात करते हैं यहाँ पर अभ्रक उत्पादन और इसके क्षेत्र के बारे में आपको बताना है, ठीक है, तो इनकी हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा है तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन, सबसे पहले मानव ने क्या किया था, तांबा का आविष्कार किया था, कब किया था, है ना, कि पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, इस प्रकार से क्या है, अच्छी प्रकार से हेडिंग लिखना है कि नवपाषाण काल, पहले हेडिंग डालो नवपाषाण काल, है ना, पहले बताना है तांबा क्या होता है, ठीक है, तांबा क्या होता है तो पहले डालो तांबा, उसके बारे में थ्योरी लिख डालो, ठीक है, कि तांबा किस किस से मिलकर बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलकर तांबा बनता है, और तांबा का विशेष क्षेत्र योगदान है, बना बनाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है, उसके बाद आगे डालना है थ्योरी वाइज कि नवपाषाण काल युग उसमें तांबे का विकास हुआ है ना, तो इस प्रकार से बना बना कर क्या है थ्योरी लिख देना है, बस क्या होना चाहिए, हाइडिंग आपकी मजबूत होना चाहिए। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं इसके बारे में देख लेना है, और प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे उनके बारे में हेडिंग याद करना है ध्यान से, थ्योरी एक ही बार पढ़ना है। बात करते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है इसके बारे में भी आपको ध्यान से बता देना है, तो बस इतने ही क्वेश्चन बनेंगे यहां से, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, इन क्वेश्चनों को याद कर लेना है और इनकी हेडिंगों पर बहुत विशेष फोकस करना है, ठीक है। एक बार इन्हें स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग और अपनी बुक्स पे लगा लीजिएगा, ठीक है, निशान, बिल्कुल, इनकी थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़ी है और उसके बाद हेडिंग याद नहीं करी है, सिर्फ थ्योरी थोड़ी पढ़ ली, तब भी आपको क्या है एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर हेडिंग अच्छी है, हेडिंग के लिए क्या करना है, मोटा पेन ले जाना है, काला मोटा पेन जो होता है, मोटी
इंक वाला, ठीक है, मतलब मोटा मोटा देखने वाला है ना, एक मोटा दिखने वाला, एक पतला दिखने वाला, दो ले जाना है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन किससे लिखना है? पतले वाले से, और जो हेडिंग लिखना है वो क्या करना है? मोटे वाले से, आंसर देना है नीले वाले से। तीन पेन आपको ले जाना है एग्जाम में। बात करते हैं तो यहां पर हमारा जो खत्म होता है, सारे के सारे स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, अच्छे प्रकार से पढ़ लिए होंगे, और टिक भी लगा लेना, ठीक है, हेडिंग पर विशेष फोकस देना। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।